Hi guys, welcome back to the channel. This is Kritika Pandey, third year BMS student at Bundelkhand Government Ayurvedic Medical College, Jhansi. So, आज हम बात करने वाले हैं FAQs about Ayurveda के बारे में. So, question पहले मैंने अपने community post के through as well as Instagram story के through आप सबसे questions लिए थे. Frequently asked questions about the Ayurveda, about the BMS and also about the medical life, जिसमें आपको पूछना था different questions या फिर जो queries आपके दिमाग में हमेशा आती रहती हैं related to the Ayurveda, related to the BMS. तो मुझे काफी सारे questions मिले थे जो questions मेरे mind में भी होते थे जब मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी या फिर जब मैं एंटर करने वाली थी बीएमएस में. सो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करेंगे एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आए हैं. तो वीडियो के लास्ट में आप फील करोगे कि काफी सारे इनमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको भी चाहिए थे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो. जो मुझे क्वेश्चन मिले थे मैंने यहाँ पे कॉपी पे नोट डाउन करके क्वेश्चन रखे हुए हैं. सो हम एक एक करके उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड देन आई एम गोना आंसर दोज क्वेश्चन. ओके, सो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मच डू वी अर्न आफ्टर कम्प्लीटिंग बीएमएस. सो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं बच्चों के कि कितना अर्निंग होगी बीएमएस कम्प्लीट करने के बाद, क्योंकि बच्चों को ठीक से पता नहीं होता है इस बारे में. सो ये काफी बड़ी रेंज है. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो अगर आप एज एन आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर लगते हो तो उसकी आपकी सैलरी है, हर स्टेट में अलग अलग होती है, पर अराउंड गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह अच्छी सैलरी है, 70-80 के से स्टार्टिंग है एंड बाद में एक्सपीरियंस गेन करने के बाद 1 लाख भी टच करती है सैलरी. तो अच्छी सैलरी है एंड एलोपैथी एंड आयुर्वेदा में गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. कुछ स्टेट में तो अराउंड सेम ही पे स्केल है, तो ये काफी अच्छी चीज है. इसके अलावा अगर आप एज अ टीचर अपॉइंट होते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो वहां भी काफी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी, 70-80 के, एंड ये भी 1 लाख टच करती हुई सैलरी आपको मिलती है. बट अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो तो प्राइवेट सेक्टर में काफी बड़ी रेंज है. अगर आप खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं तो स्टार्टिंग में सब कुछ आपको खुद ही करना है, तो स्टार्टिंग आपकी धीरे होगी. बट अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आप उस आसपास के लोगों में अपनी अच्छी रेपो बना लेते हो तो बाद में आपके लिए अच्छा रहेगा. और अगर अभी के टाइम पे बात करें तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा नहीं है कि आप कहीं पे जॉब कर पाओ, और अगर वो जॉब दे भी रहे हैं तो उतनी अच्छी सैलरी नहीं है. तो अभी के टाइम पे अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आयुर्वेदा में गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा अच्छा कर रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक बुक्स आर इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश. तो आयुर्वेदिक के बुक की बात करें तो दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. डिपेंड करता है कि आपको किस में पढ़ना है या फिर आपके स्टेट में कौन सी लैंग्वेज में बुक्स पढ़ी जा रही हैं. क्योंकि साउदर्न स्टेट में अगर हम देखें इंडिया में तो जनरली इंग्लिश में ही बुक्स बच्चे पढ़ते हैं, बट नॉर्दर्न स्टेट में देखें तो जनरली जो कॉलेजेस में जो चला आ रहा है बहुत टाइम से, बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं. पर ऐसा कहीं बोला नहीं गया है कि आपको हिंदी में ही पढ़ना है या इंग्लिश में ही पढ़ना है, आपका कंफर्ट है ये. अगर आप जिस भी बुक में अच्छे से समझ सकते हो और आप जिसमें अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हो उस चीज के लिए आप जाओ, तो वो अपना पहले कंफर्ट देखना है. अपने टीचर से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, तो वो आपके लिए अच्छी चीज रहेगी. और बुक्स मैंने पहले ही बताया दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. और बुक का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हर टाइप की आपको बुक बता रखी है, हिंदी लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज में. तो वो वीडियो एक बार जाके जरूर देखना, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, ये अगेन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वी हैव टू राइट आंसर्स इन एग्जाम. तो जैसे मैंने आपका बुक का बताया आंसर्स भी आप दोनों ही लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये नहीं कि आप मिला के लिख रहे हो, जो मन करा कि इंग्लिश में लिख दिया कुछ आंसर, कुछ हिंदी में लिख दिया, ऐसे नहीं. अगर आप एक लैंग्वेज के साथ जा रहे हो तो कोशिश करो कि पूरा पेपर जो है उसी लैंग्वेज में आप करो. और ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार टीचर से बात कर लेनी चाहिए कि वो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में चलती है कि नहीं. पता चला आपकी यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं चेक करते हैं, मतलब इंग्लिश की कॉपीज जनरली बच्चे बहुत कम लिखते हैं, तो हो सकता है कि आपको मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले. बट जनरली ऐसा होता नहीं है, टीचर्स मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंग्लिश में लिखने में कम मार्क्स देंगे. तो अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप जा सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4 है, इज मेडिकल लाइफ हेक्टिक. तो हाँ, मेडिकल लाइफ एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज मेडिकल थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बुक्स बहुत ज्यादा होती हैं, पढ़ने के लिए काफी सारा स्टफ होता है हमारे पास, प्रेशर एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा होता है. बट
और आयुर्वेदा की अगर बात करूँ तो आयुर्वेदा में जब हम आते हैं तो काफी सारी चीजें नहीं मिल जाती है, लैंग्वेज नहीं मिल जाती है, संस्कृत मिल जाती है, श्लोकास वगैरह मिल जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा प्रेशराइज फील होता है. तो हेक्टिक तो है बट डिपेंड करता है आप उस चीज को कैसे देखते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है हर चीज को देखने का. अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए अच्छा ही होगा. और हर चीज ही हेक्टिक है अगर आपको मेहनत करनी है तो. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मैंने प्रॉपर बता रखा है. तो वो वीडियो एक बार जाके देखो, शायद आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच इज बेटर, MBBS और BAMS? ओके, मुझे ना इससे रिलेटेड अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे कि विच इज बेटर अमंग MBBS एंड BAMS. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पहली बात तो कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कीप ऑन कंपेयरिंग दीज टू कोर्सेज. काफी अलग चीज है एलोपैथी एंड आयुर्वेदा. जब आप देखोगे तो दोनों का प्रिंसिपल अलग है, काम करने का तरीका अलग है, और कुछ चीजों में हमको एलोपैथी की ही हेल्प लेनी है, कुछ चीजों में आयुर्वेदा बेटर है. तो मुझे ऐसा लगता है पेशेंट्स को एज वेल एज बाहर के लोगों को भी पता होना चाहिए कि किस टाइम पे उनके लिए क्या चीज बेटर रहेगी, और कंपेयर करके फिर अपने आप को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो हर चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डॉक्टर भी इंपॉर्टेंट है. डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हो. अब अगर आप आयुर्वेदा में देखोगे तो स्किन डिजीजेस के लिए, हर्बल ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, एज वेल एज जॉइंट पेन के लिए काफी अच्छा है, पाइल्स एंड फिस्टुला का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है. तो कुछ चीजों में मुझे ऐसा लगता है आयुर्वेदा एक्ट्स लाइक अ वंडर. एंड उस अगर आप देखोगे मॉडर्न में, तो मॉडर्न सर्जरी में काफी अच्छा जा चुका है और काफी अच्छी रिसर्च हो रही है वहां पे. तो कुछ इमरजेंसी, अगर आपको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, कोई सर्जरी करवानी है तुरंत के तुरंत, तो आपको मॉडर्न ही जाना पड़ेगा, आप आयुर्वेदा में नहीं आ सकते हो. तो वही चीज है कि आपको जरूरत क्या है उस पर डिपेंड करता है. चीजें हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संस्कृत की कितनी बुक्स लेनी है? आई एम अ फर्स्ट ईयर BAMS स्टूडेंट. तो संस्कृत की अगर बुक देखो आप, तो मुझे लगता है संस्कृत की जब आप देखोगे कोर्स में तो 3 से 4 बुक्स दी हुई है, पर उनमें से किसी बुक में से सिर्फ 10 चैप्टर आ रहे हैं, किसी में से सिर्फ 2 या 3 चीजें आ रही हैं. तो मुझे लगता है हर चीज खरीदने की जरूरत इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नहीं है. मैंने भी संस्कृत की सारी बुक ले ली थी, पर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर आप देखोगे वैद्य की वैद्य की शुभाषी रानी का, उसका सिलेबस में सिर्फ 10 चैप्टर्स ही आते हैं आगे के. तो इट्स बेटर कि आप टेलीग्राम से वो 10 चैप्टर के PDF निकलवा लो और फिर उससे पढ़ के दे दो एग्जाम. या फिर आपके किसी सीनियर ने खरीद के रखी है तो उनसे लेके फोटोकॉपी करवा के फिर उन्हें दे दो, उससे पढ़ लो. ग्रामर भी आप कहीं से फोटोकॉपी करवा सकते हो तो वहां से करवा सकते हो, या फिर आपको कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक मिल गई है आपको. मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि ग्रामर के लिए बुक ले लो, क्योंकि ग्रामर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो काम आएगा आपको. संस्कृत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही काम आएगी. तो संस्कृत अगर अच्छा बेस डेवलप कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है. बस मैं ये रिकमेंड करूंगी कि सारी बुक्स नहीं लेनी है, तो आप ग्रामर ले लो. और पंचतंत्र का भी मैं ये बोलूंगी कि स्टोरीज की कॉपीज निकलवा लो, फोटो कॉपी, और वो उससे पढ़ लो, बुक्स लेने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BAMS. इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने काफी सारे ऑप्शंस बताए थे कि कौन कौन से ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो आफ्टर BAMS. तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो. एंड आगे भी मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी जिसमें मैं आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगी जो उस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं था. तो आप चैनल के साथ बने रहे तो आपको पता चलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल आई स्टार्ट माय क्लिनिक प्रैक्टिस? आई एम फर्स्ट ईयर BAMS स्टूडेंट एंड विच बुक आई प्रेफर फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस? ओके, तो आप क्लिनिक प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के मतलब आपके 5.5 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, 4 साल 4.5 साल का आपका BAMS एंड देन इंटर्नशिप. तो आप अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो अच्छा रहता है. हालांकि बहुत लोग जब पढ़ते रहते हैं तभी स्टार्ट कर देते हैं, वो उनका अपना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोफेशनल कोर्स होने के बाद आप स्टार्ट करो तो आपके लिए अच्छा रहता है. आपकी स्किल्स अच्छी हो जाती है, प्लस एट द सेम टाइम आपका नॉलेज भी अच्छा हो जाता है, तो वो चीज आपके लिए अच्छी रहती है. सो इन करेंट सिचुएशन, व्हाई आयुर्वेदिक मेडिसिन इज नॉट सो मच इफेक्टिव इन ह्यूमन बॉडी? ओके,
मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे आचार्यों ने बताई थी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो प्रपोर्शंस आचार्यों ने बोला था लेने के लिए, अभी फार्मा कंपनीज ऐसा कुछ फार्मा कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, पर ऐसे सबके साथ नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी भी है जैसा शास्त्रों में लिखा गया है वो प्रोसीजर्स प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही है। अगर बोला गया है कि किसी धातु का शोधन आपको 21 बार करना है, उसको 21 बार की भावना देनी है, पर मुझे नहीं लगता कि सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं, क्योंकि काफी सारे में ऐसा देखा भी गया है कि उतने अच्छे से प्यूरिफिकेशन वगैरह हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी कभी आप देखोगे तो उतनी पोटेंट नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। फिर जो ओरिजिनल प्लांट है उसकी जगह कोई उसका एडल्ट्रेशन यूज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करती है। बट काफी सारी फार्मेसीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको यूज कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं करनी है। सो अपना दिमाग लगाओ और अच्छी चीजें यूज करो। ओके की क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, दीदी बीएमएस में स्टाइपेंड कितना मिलता है गोवटेम प्राइवेट में और बिफोर पीजी एंड आफ्टर पीजी, व्हाट विल बी एवरेज सैलरी ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो सैलरी के बारे में हम बात कर चुके हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड का रेंज काफी ज्यादा होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है स्टाइपेंड। अगर स्टाइपेंड देखो तो आपको 10K से 25K के बीच में लाई करता है, तो अराउंड 10,000 काफी सारे स्टेट देते हैं। 25,000 अभी बीएचयू पे करता है एंड आई थिंक इट इज द हाईएस्ट स्टाइपेंड, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी अच्छी स्टाइपेंड है पर स्टेट गवर्नमेंट में उतनी नहीं है। तो आप देखोगे कि जैसे अभी यूपी की बात करें तो अराउंड 12K का स्टाइपेंड है, राजस्थान में अराउंड 14,000 का स्टाइपेंड है। तो ये जो मेनली सारे स्टेट्स हैं वो ऐसे ही दे रहे हैं 15,000-16,000 ये। पर पीजी का स्टाइपेंड भी अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस में देखोगे तो काफी अच्छा है, एज वेल एज सेंट्रल कॉलेजेस में काफी अच्छा है, और बाकी जो कॉलेजेस हैं वो उतने अच्छे स्टाइपेंड नहीं देते हैं। अगर आप बीएचयू का स्टाइपेंड देखोगे तो पीजी का काफी अच्छा है, अराउंड 80-90,000 तक जाता है, तो वो काफी अच्छा स्टाइपेंड है, इसीलिए बीएचयू में इतनी ज्यादा मारा मारी है बीएचयू में एंटर करने के लिए। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्लीज टेल अबाउट व्हाट टू टेक इफ गेट गुड रैंक बीएचयू और एनआईए। बीएचयू और एनआईए का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि कितनी रैंक पे कौन सा मिलता है और कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर अभी मैं शॉर्ट में बताऊँ तो बीएचयू इज बेटर देन एनआईए काफी सारे एस्पेक्ट में। उनका स्टाइपेंड अच्छा है एंड क्योंकि उनका मॉडर्न का इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें कोएड चलता है हर चीज, तो एज वेल एज आपकी मॉडर्न अच्छी हो सकती है, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, हॉस्पिटल में आप साथ साथ काम करोगे एलोपैथिक डॉक्टर्स के, तो वो भी चीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज अ बीएमएस डॉक्टर इटसेल्फ से दैट देयर इज नो करियर स्कोप ऑफ बीएमएस इन दिस मॉडर्न एरा एज टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस, सो देयर इज अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स। सो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है काफी अच्छा है। लोग ऐसा मानते हैं और कि हाँ हमारे लिए स्कोप नहीं है बीएमएस के बाद, स्कोप नहीं है। जब बीएमएस में एंटर करोगे तो लोग आसपास के लोग जरूर आपको बोलने आएंगे कि यार इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, तो इवन आपके पेरेंट्स भी कभी कभी आपको बोल देंगे। तो इट्स जस्ट कि उन्हें पता ही नहीं है कि कितने स्कोप्स हैं, और साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कम्युनिटी है बीएमएस वाले लोगों की, वो खुद ही अपने आप को छोटा समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा देखती हूँ। मेरे साथ में भी कुछ लोग हैं कि उनका बीएमएस में सिलेक्शन हो गया, वो पढ़ रहे हैं, पर साथ साथ में वो ये भी बोलते रहते हैं, डिग्रेड करते रहते हैं बीएमएस को कि अरे यार यहाँ पे तो अच्छा नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं अच्छी होती, और एमबीबीएस वाली बात नहीं है, अभी तो सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब हर टाइम पूरे टाइम वो अपना 4-4.5 साल कंपैरिजन में निकाल देते हैं रादर देन डूइंग द पढ़ाई। तो पढ़ाई को छोड़ के उनको सब करना होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक बार चीज मिल गई है तो ट्राई टू रिस्पेक्ट दैट। आप रिस्पेक्ट करोगे उस कम्युनिटी की तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, और उस चीज की रिस्पेक्ट करो। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुद रिस्पेक्ट करेंगे बीएमएस की तो ही हम सामने वाले को बता पाएंगे ना कि हमारा कोर्स कितना अच्छा है, हम कुछ उसमें अचीव करेंगे तो ही हम सामने वाले को दिखा पाएंगे कि देखो तुम बोल रहे थे कि यार तुम्हारे तो कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है, और मैं इतना बड़ा बन गया, मेरी इतनी अच्छी सैलरी है, मैं इतना अच्छा काफी सारे डॉक्टर से ज्यादा अर्न कर रहा हूँ। तो वो चीजें आप खुद ही प्रूव कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए जरूरी है कि आप स्मार्ट बनो और लोगों को जवाब दो, तो बहुत ज्यादा बेटर होता है। और स्कैन ऑफ बीएमएस ग्रेजुएट परफॉर्म सर्जरी,
तो सर्जरी करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ये गलत चीज है, लीगली ये एडवाइज नहीं है। उस पर्टिकुलर ब्रांच में आप अगर ग्रेजुएट हो जाते हो, पीजी वीजी करने के बाद आप सर्जरी कर सकते हो। एंड यस, वी आर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इट इज वेरी आयरोनिकल। जस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हाँ, माइल्ड सर्जरीज जो होती हैं वो अलाउड होती हैं, बट पूरा सर्जिकल प्रोसीजर वो अलाउड नहीं होता है विदाउट डूइंग अ स्पेशलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि मैंने बायोलॉजी ले लिया था और बनना चाहती थी, ये ना मैंने कभी सोचा नहीं। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आंसर करे और मुझे ये सेशन काफी अच्छा लगा। जब हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाते हैं तो उसमें मैं सिर्फ आपकी एक क्वेरी सॉल्व कर पाती हूँ, बट अगर हम ऐसे एफएक्यू सेशन करते हैं ना तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, तो आपके लिए भी काफी अच्छा रहता है एंड मुझे भी काफी वाइड रेंज के क्वेश्चंस मिले। और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिलेटेड टू द आयुर्वेदा, बीएमएस एंड मेडिकल लाइफ। सो साइनिंग ऑफ, बाय बाय।